बरेली इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के BIU कॉलेज ऑफ फार्मेसी के ऑडिटोरियम में फर्स्ट नेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें एडवांस फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी के साथ नवाचार के रुझान और चुनौतियों की थीम पर विस्तार से चर्चा की गई। इस नेशनल कॉन्फ्रेंस में उपस्थित सभी प्रतिनिधियों को जागरूक करते हुए बताया गया कि बायोटेक्नोलॉजी में हमारे पास क्या नए अवसर उपलब्ध हैं, साथ ही हम किन किन बीमारियों को पकड़ सकते हैं। वहीं युवाओं को बताया गया कि इस क्षेत्र में तमाम चुनौतियां हैं जिसमें वे अनुसंधान करके और भी बेहतर कर सकते हैं। आपको बता दें कि इस नेशनल कॉन्फ्रेंस में मुख्य संरक्षक BIU के कुलाधिपति डॉक्टर केशव कुमार अग्रवाल, उप कुलाधिपति डॉक्टर लता अग्रवाल, प्रति कुलाधिपति डॉक्टर अशोक अग्रवाल और प्रति उप कुलाधिपति डॉक्टर किरण अग्रवाल हैं। वहीं संरक्षक BIU के रजिस्ट्रार डॉक्टर सुनील कुमार ठाकुर और BIU कॉलेज और फार्मेसी के प्रिंसिपल डॉक्टर पुष्पेंद्र कनौजिया भी कॉन्फ्रेंस में उपस्थित रहे। इनके अलावा सम्मानित अतिथियों में रोहिलखंड यूनिवर्सिटी में फार्मेसी विभाग के पूर्व HOD प्रोफेसर डॉक्टर AK शर्मा और AKTU के मथुरा स्थित राजीव अकेडमी फॉर फार्मेसी के डीन डायरेक्टर प्रोफेसर डॉक्टर देवेंद्र पाठक शामिल हुए। जबकि प्रख्यात वक्ताओं में इटावा के सैफा स्थित उत्तर प्रदेश यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज की डीन प्रोफेसर डॉक्टर कमला पाठक और मुंबई स्थित NMIMS के प्रोफेसर डॉक्टर जगन्नाथ साबू ने भी हिस्सा लिया। वहीं इस आयोजन के लिए तमाम अतिथियों ने आयोजकों के लिए शुभकामनाएं दी। मैं यहाँ पर एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के आई हूँ, जिसका की थीम है इनोवेशंस एंड चैलेंजेस इन बायोटेक्नोलॉजी, जो कि बरेली इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में ऑर्गेनाइज हो रही है। इस कॉन्फ्रेंस का मकसद है डेलीगेट्स को अवेयर करना कि बायोटेक्नोलॉजी में क्या क्या हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ है, क्या हम कर सकते हैं, किन बीमारियों को हम टैकल कर सकते हैं बायोटेक्नोलॉजी से, और बताना ये यंग माइंड्स को ये बताना कि इस एरिया में बहुत सारे चैलेंजेस पॉसिबल हैं जिसमें कि वो रिसर्च करके और भी इम्प्रोवाइज कर सकते हैं। तो मैं जितने भी ऑर्गेनाइजर्स हैं उनको शुभकामनाएं देती हूँ कि इन्होंने इतना अच्छा कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज किया, और इसकी सक्सेस से बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा जितने भी डेलीगेट्स आए होंगे।